प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली क्षेत्रीय रेल परियोजना रैपिडेक्स का किया उद्घाटन। यह रेल सेवा कल से आम लोगों के लिए हो जाएगी शुरू। ईडी ने शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। आज पीएमएलए की विशेष अदालत में किया जाएगा पेश। मतदाता सूची घर घर सर्वेक्षण का दूसरा चरण 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक। अभियान के तहत जोड़े जाएंगे छूटे वोटरों के नाम। और पूर्वी क्षेत्र जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 66 पदकों के साथ झारखंड बनी उपविजेता। महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी टूर का हजारीबाग में जोरदार स्वागत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से देश की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किया। इसमें लगभग 1700 यात्रियों की क्षमता के साथ 6 कोच होंगे। यह रेल सेवा शनिवार से आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। कई रूप से तैयार की गई है भारत के अंदर। इस ट्रेन को तैयार किया गया है और जो तमाम सिस्टम है वो भी भारत में तैयार किए जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक RRTS कनेक्ट ऐप को भी लॉन्च किया है और उन्होंने खुद यहाँ पर टिकट लेकर लिया है। नमो भारत ट्रेन का पहला टिकट उन्होंने लिया है और वो अभी इस ट्रेन के अंदर यात्रा भी करेंगे। बिल्कुल गिरीश, और ये देखिए तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर पहली रैपिड रेल को रवाना किया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो अब ये ट्रेन जो है वो अब जनता को समर्पित की जा चुकी है। कल से इसका संचालन भी अब शुरू हो जाएगा। सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक इसका संचालन होगा। तो ये तस्वीरें सुख आपको दिखा रहे हैं और उनके साथ में प्रधानमंत्री के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी वहां पर इस दौरान मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रदर्शनी भी देखी इससे जुड़ी हुई। तो ये तस्वीरें सुख आपको दिखा रहे हैं और अब ये ट्रेन। आज शारदीय नवरात्र का 6 दिन है। इस दिन श्रद्धालु देवी दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा करते हैं। आज सवेरे से ही मंदिरों में मां कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। राजधानी रांची समेत राज्यभर में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह का माहौल है। शहर के अधिकतर पूजा पंडालों के पट खुलते ही मां दुर्गा के भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है और माहौल भक्तिमय हो गया है। पंडालों के आसपास आकर्षक तोरण द्वार और विद्युत सज्जा लोगों को आकर्षित कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल देर शाम हरमू स्थित पंचमंदिर पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने माता रानी के दरबार में मत्था टेक कर राज्य की उन्नति सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन और विधायक नवीन जायसवाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम रातू रोड स्थित आरआर स्पोर्टिंग क्लब पूजा पंडाल का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री देवी दुर्गा से राज्य की उन्नति, सुख समृद्धि और शांति की कामना की। राजधानी रांची में दुर्गा उत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। रातों रात दुर्गा मंदिर में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे समाचार संपादक। देखिए, पूरे राजधानी रांची में दुर्गा पूजा का जो उत्सव है वो चरम पर है और जो पंडाल है उसको थीमेटिक पंडाल बनाया गया है। आपको आज हम दुर्गा मंदिर और साई मंदिर के नजदीक जो पंडाल ये आरआर स्पोर्टिंग क्लब की ओर से बनता है उसकी झलक दिखा रहे हैं। अभी क्योंकि दोपहर का समय है और आज षष्ठी की पूजा हो रही है तो अभी उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन कल शाम में जब ये पंडाल ये खुला था उस वक्त यहाँ पर जो लोगों का हुजूम था वो उमड़ पड़ा था। तो इस बार यहाँ पर एक तरीके का जो पुनर्जन्म का जो थीमेटिक बेस्ड है उसको बेस्ड कर ये पंडाल बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि पंडाल की क्या खूबसूरती है और किस तरीके से इसे फोकस किया गया है, और आपको हम अंदर लेकर चल रहे हैं और अंदर अपने कैमरामैन हमारे साथ राज मनोहरन है, उनके जरिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रतिमाओं में लगता है कि जीवंत उन्हें यहाँ पर बैठाया गया है और उसकी झलक यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए, दिन में यहाँ पर लोग घूमने भी आ रहे हैं और लगातार लोगों में दुर्गा उत्सव को लेकर एक जो उत्साह कहते हैं, उमंग कहते हैं, जोश कहते हैं, वो लगातार देखने को मिल रहा है। और देखिए, ये सेल्फी का क्रेज है आज के जमाने में। लोग जब पंडालों में पहुंचते हैं तो बाकायदा अपने कैमरे में तस्वीरों को कैद करते हैं और उसकी झलक आप यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से लोग या तो सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं या मां की प्रतिमा अपने मोबाइल कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीर हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दुर्गा माँ की जो प्रतिमा बनाई गई है वहां पर, ये जो मेहनत है ये करीब पिछले 2 महीने से यहाँ पर इस पंडाल को बनाने का काम चल रहा था और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो कारीगरों ने अपनी हाथ की जो जादूगरी है उसको माँ की प्रतिमा में उकेड़ा है और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से सजावट की गई है। और जो आप देख सकते हैं लाइटिंग जो यहाँ पर किया जाता है वो एक तरीके से अद्भुत होता है। और कल ही शाम में इस पंडाल को आम जनों के लिए खोला गया था और उसके बाद लोग लगातार यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ दिन में भी उसी तरह से देखने को मिल रही है और लाइटिंग का जो इंतजाम है वो निश्चित तौर पर अद्भुत किया गया है। कैसा लग रहा है पंडाल में आके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और साल से बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? अच्छा है, अच्छा है। क्या पंडाल में खास लगा आप लोग को? यहाँ का मूर्ति हम लोगों को बहुत अच्छा देखने को मिला है और मतलब सजावट बहुत अच्छा हुआ है और बहुत दूर से लोग देखने आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मूर्ति खूब भालो लागछ, तो भालो लागछ। देख रहे हैं कैसे लोगों के मन में खुशी है, कैसा लग रहा है? दो में भालो लागछ। माता की प्रतिमा बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। हेलो, तो आप लोगों ने कहाँ कहाँ घूमा अभी? हम लोग बकरी बाजार गए और सेकंड यहाँ आए। यहाँ किस तरीके का जोश है चेहरे पे, ये जो उमंग और जोश है, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। पूजा ऐसे भी बहुत बढ़िया रहता है, इस साल तो बहुत ज्यादा ही अच्छा बना है पूजा, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? आ जाओ इधर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देख रहे हैं लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और देख रहे हैं दर्शन करने वाले लोगों की भी भीड़ यहाँ पर सुबह से ही उमड़नी शुरू हो गई है और लगातार पंडाल में लोग पहुँच रहे हैं। अपना कैमरा पर्सन से एक बार फिर बोलेंगे कि जो ये अद्भुत जो कलाकृति यहाँ पर की गई है, ऊपर में जो नक्काशी की गई है, लाइटिंग के जो इंतजाम किए गए हैं, वो आपको थोड़ा दिखाएं हमारे दर्शकों को जो रांची से बाहर है, वो इसका लुत्फ उठाएं और वो देख सके कि किस तरीके से रांची में और झारखंड में दुर्गा उत्सव का जो माहौल है वो पूरी तरीके से चरम पर आ गया है। और पंचमी और षष्ठी पूजा के बाद से ही पूरे झारखंड में, पूरे रांची में जो एक जोश होता है, ये एक बच्ची देखिए यहाँ पर आई है देखने, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा आके? बहुत अच्छा, हर साल आते हैं। तो देखिए, लोग हर साल आते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है और वो लगातार जो कह सकते हैं वो खुश है कि किस तरीके से माँ की प्रतिमा का वो दर्शन कर रहे हैं और लगातार लोग में जो दुर्गा उत्सव का एक जो माहौल है
वो बहुत उमंग के साथ यहाँ पर मन रहा है। तो इसी तरह का कुछ जो नज़ारा आपको हमने यहाँ पर दिखाया, कुछ वैसा ही बकरी बाजार और दूसरे तरह के जो मंदिर हैं यहाँ पर, जो पंडाल बनाए गए वहां पर भी देखने को मिल रहा है। और जो मूर्ति और कलाकार जो है उन्होंने माँ का एक तरीके से यहाँ पर जीवन प्रतिमा उकेड़ा है और लोग लगातार यहाँ पर खुश होकर उसे देख रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग अपने अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, कैसा लग रहा है माँ की प्रतिमा कैद करते हुए? जी बहुत बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। क्या खास है यहाँ पे? बहुत कलरफुल है, बहुत वाइब्रेंट है, बहुत प्यारी लग रही है माँ। देखिए इधर और एकदम नया ना, यहाँ हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर लग रहा है, चेहरे से कि शब्द नहीं है इनके पास कि किस तरीके से बयां करें यहाँ पर, कि किस तरीके से जोश और जुमंग। लोग लगातार पहुंच रहे हैं, देखिए युवा वर्ग जो है उनमें किस तरीके का क्रेज है। ये बकायदा देखिए मोबाइल से कैद कर रहे हैं तस्वीरों को, तो ये एक जोश। देखिए यहाँ पर जितने लोग हैं आपको नजर आएंगे सेल्फी वाले लोग हैं, जरा राजमनोरंजन जी दिखाइए देखिए किस तरीके से लोग, अब स्कूली बच्चियां भी यहाँ पर पहुंचने लगे हैं क्योंकि छुट्टी का माहौल भी आज से शुरू हो रहा है। तो लगातार लोग जो है वो कैमरे में माँ की प्रतिमा को उतार रहे हैं और लगातार जो जोश और उमंग है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो लगातार जो दुर्गा उत्सव का माहौल है वो पूरे रांची में चरमोत्कर्ष पर है। लोग लगातार पंडाल में पहुंच रहे हैं, देखने पहुंच रहे हैं और यहाँ की जो लाइटिंग है वो लगातार लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित भी करती है। देखते हैं आपको बाहर और तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जो पंडाल बनाया गया है वहां पर लोगों ने अपने हाथ की कला को उकेड़ा है और जो एक थीमेटिक होता है कि किस तरह से पर्यावरण को बचाने का मैसेज देना है, इस तरह की चीजें भी यहां पर की गई है। एक बार फिर हम चाहते हैं कि दिखाएं हमारे कैमरा पर्सन कि किस तरीके से यहां पर ये पंडाल जो बनाया गया है उसमें नेचर का भी ख्याल रखा गया है। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो लोगों को आकर देखनी भी चाहिए कि जो लगातार कलाकार है और जो इसके आयोजक है वो किस तरीके से मेहनत करते हैं ताकि लोगों को एक जो दुर्गा उत्सव का माहौल है, लगातार पहले कहा जाता था कि बंगाल में दुर्गा उत्सव लोग देखने जाते हैं और वहां पर जिस तरीके का पंडाल बनता है, जिस तरीके का थीम होता है वो लोगों के लिए एक मैसेज भी देता है, वैसे ही कुछ झलक अब आपको रांची के भी पंडालों में देखने को मिलती है। और रांची के भी जो पंडाल बनते हैं उसमें लगातार ये जो सनातन धर्म की बात हो रही है, दूसरे तरह के जो मुद्दे होते हैं, चंद्रयान हो, गगनयान हो, वो तमाम तरह की चीजें जो है वो झारखंड के जो पंडाल इस बार बनाए गए हैं, रांची में जो पंडाल बनाए गए हैं उसमें ये देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कल जमशेदपुर टोइला डुंगरी में पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री गुप्ता ने कहा कि दुर्गा पूजा शक्ति की उपासना के लिए की जाती है, पूरे वर्ष भर सामाजिक जीवन में कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। मंत्री जी एक और दीपक जला दीजिए ना, थोड़ा इधर देख लीजिए। और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि माँ भगवती हम सबों में इतनी शक्ति दे कि हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस झारखंड को समृद्ध, स्वस्थ और सबल झारखंड बनाने का जो सपना है वो सपना हम साकार कर पाए। नवरात्रि के मौके पर इन दिनों राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में डांडिया का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जमशेदपुर में गुजराती सनातन समाज की ओर से बिष्टुपुर में गरबा डांडिया बड़े ही उत्साह के साथ प्रतिदिन मनाया जा रहा है। संस्था के सचिव जयेश भाई अमीन ने बताया कि यह परम्परा पिछले 96 वर्षों से चली आ रही है। वहीं कपल के रूप में गरबा करने वालों में भी भारी उत्साह देखा गया। हम लोग डांडिया करते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होता है और बच्चे से लेकर सभी एज के यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। ये लड़का बने हुए हैं पर गरबे का उत्साह ही वही है, बहुत मजा आ रहा है। टीम है ये लोग का, पूरा जूनागढ़ से आते हैं और ये लोग
माहिर है, मतलब अपना ट्रेडिशनल गरबा और ये सब बजाने में गाने में बहुत फाइन इन लोग का परफॉर्मेंस रहता है। श्री श्री रामलीला उत्सव समिति की ओर से जमशेदपुर के साक्षी स्थित रामलीला मैदान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला उत्सव समिति के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि इस बार मध्य प्रदेश के रीवा से 18 कलाकार रामलीला का मंचन करने आए हैं। यह रामलीला 14 अक्टूबर से शुरू हुआ है जो 24 अक्टूबर तक चलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को पूछताछ के बाद कल देर शाम गिरफ्तार कर लिया है। योगेंद्र तिवारी को आज पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले में ईडी ने 23 अगस्त को शराब कारोबारियों के 34 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। ईडी वर्ष 2022-23 में शराब के कारोबार से जुड़े मामले की भी जांच साथ साथ कर रहा है। 2022-23 में छत्तीसगढ़ की कंपनियों को सलाहकार बनाया गया था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में शराब के व्यापार के लिए होलोग्राम छापने वाली कंपनी को ही झारखंड में भी काम दिया गया था। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कल मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन और अन्य विषयों को लेकर सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि घर घर मतदाता सर्वेक्षण का दूसरा 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक चलाया जाएगा। इसमें सभी बूथों के बीएलओ घर घर जाकर पात्र होने के बावजूद भी किसी कारण से अब तक मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं होने वाले मतदाताओं को चिन्हित करेंगे। साथ में 27 अक्टूबर का ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन होना है, उसका संबंध में समीक्षा की गई थी। इस समीक्षा के समय में यह निर्णय लिया गया 27 अक्टूबर को प्राउड ऑफ माई वोट बीएलओ करके एक हैशटैग कैंपेन कराया जाएगी। सभी सोशल मीडिया में सभी पदाधिकारी सभी कर्मचारी सभी राजनीतिक दल का सभी नेता से सबसे मेरा अनुरोध है उसी दिन में वो प्राउड ऑफ माई बीएलओ करके कैंपेन चलाएंगे। उसके साथ साथ में उनका वो एक सम्मान का तरफ से उनका एक मन भी बढ़ेगी ताकि वो बहुत बड़ा काम कर रहा है हम लोग का देश का लोकतंत्र का बढ़ाने देने के लिए। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत कल चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के राम नारायण प्लस टू उच्च विद्यालय में अमृत कलश यात्रा निकाली गई। नेहरू युवा केंद्र की चतरा इकाई और सीआरपीएफ 190 बटालियन के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली गई। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन से बाल कल्याण संघ के शिष्टमंडल ने संजय कुमार के नेतृत्व में राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान शिष्टमंडल ने राज्यपाल को बाल कल्याण संघ के कार्यों से अवगत कराया, साथ ही राज्यपाल को ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन झारखंड नामक पुस्तक भेंट किया। विधानसभा के नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री बावरी ने नारियल फोड़कर एवं रक्षा सूत्र बांधकर मां छिन्नमस्तिका से पूरे प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष के रजरप्पा पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वनवासी कल्याण केंद्र गुमला द्वारा रायडी प्रखंड के सांसद आदर्श ग्राम सुगाकाटा में वन सब्जी महोत्सव का अनूठा आयोजन किया गया। मौके पर सांसद सुदर्शन भगत ने सुगाकाटा गांव में जल जंगल जमीन जन और पशु के 5 आयामों पर आधारित हो रहे विकास कार्यों का उल्लेख किया। इस दौरान ऐसी सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई गई थी जो स्वतः जंगलों और पहाड़ों में उपजती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जिला प्रभारी एवं जिलाध्यक्षों के कार्यों की वर्चुअल माध्यम से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिला प्रखंड मंडल पंचायत स्तर तक 15 दिनों में बैठक कर उसकी प्रगति रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने सभी सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति बनाने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि जो शिक्षक ऐसा नहीं करेंगे उनका वेतन काटा जाएगा। इस दौरान बगैर सूचना के बैठक में अनुपस्थित रहने पर मनातू के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और नौडीहा बाजार के बीपीओ का भी वेतन रोकने का निर्देश दिया गया। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्र के निर्देश पर दुर्गा पूजा के मद्देनजर जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कर्रा प्रखंड मुख्यालय स्थित विभिन्न होटलों और किराना दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दुकानों से जांच के लिए खाद्य सामग्रियों के नमूने लिए गए। दुमका जिले के रानेश्वर प्रखंड के सादीपुर पंचायत के बोड़ा बथान गांव में बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद रानेश्वर थाने की पुलिस दुर्घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना अंतर्गत एक 4 वर्षीय बच्चे का अपहरण, उसकी हत्या करने और शव को छुपाने के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने पति, पत्नी और पुत्र को गिरफ्तार किया है। रांची सदर थाना क्षेत्र में बाइक सवार दो अपराधियों ने झपट्टा मारकर 2.5 लाख रूपये छीनकर फरार हो गए। इस संबंध में बूटी मोड़ स्थित खिजरी टोला निवासी शकील अख्तर ने थाने में FIR दर्ज कराया है। दुमका जिले में बाइक सवार अपराधियों ने बैंक से पैसा निकालकर घर लौट रही महिला से करीब 1 लाख रूपये झपट्टा मारकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार हंसडीहा निवासी वीणा देवी अपने पति राधेश्याम मंडल के साथ हंसडीहा नेशनल हाईवे स्थित SBI और ग्रामीण बैंक से पैसे निकालकर लौट रही थी। पलामू जिले की हरिहरगंज शहर के मेन रोड स्थित एक होटल में सामान खरीदारी करने पर छूट मिलने का झांसा देकर अमीरचंद गुप्ता से 7 लाख रूपये की ठगी होने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित युवक गढ़वा जिले के नगर उटारी थाना के पालहे कला गांव का निवासी है। इस संबंध में हरिहरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। विश्व हिंदू परिषद की महिला इकाई दुर्गा वाहिनी ने शस्त्र पूजन किया। इस दौरान प्रांत धर्म प्रसार सह परियोजना सह प्रमुख रेणु अग्रवाल ने कहा कि महिला को शस्त्र रखना जरूरी है। उन्होंने सभी को मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी से जुड़ने का आग्रह किया। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने सतर्कता जागरूकता अभियान चलाया। इसके तहत नारा लेखन, भाषण और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड करा सकते हैं। MyGov फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी होने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इससे 22 और 23 अक्टूबर को आकाश में बादल छाए रहेंगे। वहीं 24 और 25 अक्टूबर को राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और पश्चिम बंगाल एथलेटिक्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 34वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड उपविजेता बना। चैंपियनशिप में झारखंड ने 23 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज समेत कुल 66 पदक जीते। चैंपियनशिप के अंतिम दिन कल झारखंड के एथलीटों ने 7 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य पदक जीते। रांची में 27 अक्टूबर से आयोजित होने वाली महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी टूर लगातार जारी है। इसी कड़ी में ट्रॉफी का प्रदर्शन नाचतरा के जवाहरलाल स्टेडियम में किया जाएगा। इससे पहले ट्रॉफी का कल हजारीबाग पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय और पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे समेत कई पदाधिकारियों ने संत कोलंबस कॉलेज स्टेडियम में ट्रॉफी का अनावरण किया। समारोह में खिलाड़ियों में भारी उत्साह देखा गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि यह ऐतिहासिक दिन है कि भारत की धरती पर पहली बार एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी हॉकी इंडिया को मिली है। जा रहा हूं, उद्देश्य ये है कि हम लोग इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सके, उनको प्रोत्साहित कर सके। खासतौर पे जो हमारे खिलाड़ी हैं हमारी हॉकी की, स्पेशली वुमेन चैंपियनशिप है, तो ये एक और अच्छी बात है कि स्पेशली हम लोग महिलाओं, जो हमारी लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हॉकी खेलती हैं, उनके लिए ये गेम ऑर्गेनाइज किया गया है और राज्य के लिए, हम सभी के लिए बहुत प्राइड की बात है, बहुत गर्व की बात है कि
आईसीसी विश्व कप क्रिकेट में भारत ने कल बांग्लादेश को 60 विकेट से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। बांग्लादेश ने भारत के सामने जीत के लिए 257 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे उसने 41 ओवर 3 गेंद में ही हासिल कर लिया। टॉस के लिए नाजमुल हुसैन शांतोस रोहित शर्मा के साथ नजर आए। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। तंजित हसन और लिटन दास ने टीम को अच्छी शुरुआत दी। तंजित और लिटन ने पहले विकेट के लिए 93 रन जोड़े। इन दोनों ने तेजी से बल्लेबाजी की। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक पूरा करने में सफलता पाई। मजबूत दिखाई दे रही इस साझेदारी को कुलदीप यादव ने तोड़ा। उन्होंने तंजित हसन को 51 के स्कोर पर आउट किया। अच्छी शुरुआत के बाद बांग्लादेश की पारी लड़खड़ा गई। 43 रन के अंतराल पर उनके चार बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। लिटन दास को 66 रन पर जडेजा ने आउट किया। बीच के ओवरों में कुलदीप और जडेजा ने किफायती गेंदबाजी की। अंत में मुशफिकुर रहीम और महमूदुल्ला ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की। मुशफिकुर 38 रन बनाकर आउट हुए, वहीं महमूदुल्ला ने 46 रन की पारी खेली। इस तरह से बांग्लादेश की टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 256 रन बनाए। भारत के लिए जडेजा, बुमराह और सिराज ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में 257 रन के लक्ष्य का पीछा करने। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली क्षेत्रीय रेल परियोजना रैपिडेक्स का किया उद्घाटन। यह रेल सेवा कल से आम लोगों के लिए हो जाएगी शुरू। ईडी ने शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। आज पीएमएलए की विशेष अदालत में किया जाएगा पेश। मतदाता सूची घर घर सर्वेक्षण का दूसरा चरण 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक अभियान के तहत जोड़े जाएंगे छूटे वोटरों के नाम। और पूर्वी क्षेत्र जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 66 पदकों के साथ झारखंड बनी उपविजेता। महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी टूर का हजारीबाग में जोरदार स्वागत।